हाय स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट थ्री, पार्ट वन पार्ट टू में पहले अपलोड कर चुका हूँ, है। और ये है पार्ट थ्री। पार्ट थ्री जो हमारे पास है वो है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ देखने से पहले एक चीज और आपको बता दें, वो है वेपर प्रेशर। वो क्या है? वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर ये क्या होता है? वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर पानी लिया है और ये पानी क्या है? उबल रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? एक ढक्कन है, एक लिड है। जब ये पानी उबलता है तो ये वेपर बनाता है और ये वेपर जो है इसके ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। ये प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब राउल्ट एक साइंटिस्ट था, उसने वेपर प्रेशर से रिलेटेड एक लॉ दिया है ना, तो राउल्ट इसको हमें स्टडी करना है राउल्ट्स लॉ में। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ हमारे पास क्या है भाई? राउल्ट्स लॉ हमारे पास दो चीजों के लिए, एक जब व्हेन सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है। व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है ऐसा सॉल्यूट जो वेपर फॉर्मेशन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पहली बात है ना। दूसरी बात हमारे पास क्या है? व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, व्हेन सॉल्यूट इज वोलेटाइल, ठीक है। तो जब सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तब राउल्ट्स का लॉ पे कहता है P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? P क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। P नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन, एक्स ए क्या? मोल फ्रैक्शन। तो राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि व्हेन सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है? नॉन वोलेटाइल है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा, ठीक है। ये पहला लॉ था राउल्ट का। पर अगर मान लीजिए सॉल्यूट हमारे पास क्या है? वोलेटाइल है, ठीक है। तब क्या है? तब हमारे पास P इक्वल टू है PA प्लस PB, P इक्वल टू क्या है? PA प्लस PB। उस स्थिति में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट दोनों के सम के बराबर होगा। तो ये राउल्ट का लॉ है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट कि P इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए है, कि अगर सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा, when solute is volatile, then vapor pressure of solution is equal to PA plus PB, यानी both the component of the solution, solute plus solvent के vapor pressure के सम के बराबर होगा। ये राउल्ट लॉ का स्टेटमेंट है दोनों कंडीशन के। आगे की हम बात करें तो हमारे पास आगे जो है हमारे पास वो है राउल्ट लॉ के बाद आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास, और वो है नेक्स्ट हेडिंग, जितने भी सॉल्यूशन है ना, उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ, जितने भी सॉल्यूशन है उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट लॉ दो पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है। जितने भी सॉल्यूशन है उनको हमने राउल्ट लॉ के बेसिस पर दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट है? सबसे पहला पार्ट है आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरा पार्ट है
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो हमारे पास राउरकेला को ओबे करते हैं हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन जो राउरकेला को ओबे करते हैं ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर, वो क्या कहलाते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। सो आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे द राउरकेला एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं? ओबे करते हैं, ठीक है, राउल्स लॉ को, ओबे करते हैं राउल्स लॉ को एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर पर ये ओबे करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं एक बात आपको और बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन वही बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन वही फॉर्म करेंगे जिनका मॉलिकुलर साइज बराबर हो, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म ओनली दो सॉल्यूशन विच हैव सेम मॉलिकुलर साइज, फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेप्टेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, ये जो है हमारे पास क्या करते हैं? आइडियल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मॉलिकुलर साइज क्या होता है? लगभग बराबर होता है। दूसरी बात हम कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है डू नॉट ओबे द राउल्स लॉ, है, ये राउल्स के लॉ को ओबे नहीं करते हैं, डू नॉट ओबे राउल्स के लॉ, ओबे राउल्स लॉ, राउल्स के लॉ को ओबे नहीं करते हैं राउल्स लॉ, ठीक है। अब जब ये राउल्स के लॉ को ओबे नहीं करते तो किसी सॉल्यूशन का राउल्स के लॉ को ओबे ना करना, किसी सॉल्यूशन का राउल्स के लॉ को ओबे ना करना, यही क्या कहलाता है हमारे पास? डेविएशन कहलाता है, डेविएशन कहलाता है, किसी सॉल्यूशन का राउल्स के लॉ को ओबे ना करना यही क्या कहलाता है? डेविएशन कहलाता है, ठीक। डेविएशन जो है हमारे पास, डेविएशन की बात करें हमारे पास थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का तरीका पहले निकलिए। तो अभी मैंने आपको बताया कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो ओबे नहीं करते राउल्स के लॉ को, और किसी सॉल्यूशन का राउल्स के लॉ को ओबे ना करना वो क्या कहलाता है? डेविएशन कहलाता है। डेविएशन जो है हमारे पास वो दो प्रकार का, डेविएशन जो है वो क्या होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। डेविएशन की बात करेंगे, डेविएशन, ठीक है, डेविएशन, डेविएशन दो टाइप का होता है। डेविएशन में पहला जो डेविएशन आता है वो आता है हमारे पास, वो आता है पॉजिटिव डेविएशन, क्या आता है? पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा जो डेविएशन आता है वो आता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। एक आता है पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा कौन सा आता है? नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है? ठीक है, मैंने बोला ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास दो चीजें, ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ये सॉल्वेंट, दो कंपोनेंट है। मैंने बोला अगर ये दो कंपोनेंट सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग, इनके बीच का इंटरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है एक सॉल्यूशन के, ए ए और बी बी, है, इनका आपस में इंटरेक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मैंने बोला ए डैश बी, ये जो इंटरेक्शन है ये इंटरेक्शन क्या है? वीक है। ये इंटरेक्शन क्या है? ये है वीक, ठीक है, है ना। तो अगर ये है इस स्थिति में क्या होगा भाई हमारे पास? ये जो है इस स्थिति में क्या होगा हमारे पास? ये कौन सा डेविएशन शो करेगा हमारे पास? पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन हमारे पास शो करेंगे। उसके बाद अगर हम इसको पलट कर देखें, इसी को पलट कर देखें, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये दो कंपोनेंट है ए ए बी बी,
ठीक है, इनका आपस ए का इंटरेक्शन जो है आपस में, ये क्या है इंटरेक्शन, ये क्या है वीक है, ठीक है ना, और इनका इंटरेक्शन जो आपस में ये क्या है वीक है, इंटरेक्शन ये क्या है वीक है, ठीक है ना। अब लेकिन ए डैश बी, ए डैश बी ये इंटरेक्शन क्या है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, ए डैश बी ये इंटरेक्शन क्या है स्ट्रॉन्ग, तो ये कौन सा डायरेक्शन शो करेंगे हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन शो करेंगे, ठीक है। तो पहली बात है ना पॉजिटिव डायरेक्शन हमारे पास, मैंने बताया कि अगर दो पार्ट दो कंपोनेंट है ए डैश ए इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, बी डैश बी इनका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, और हमारे पास जो है ए डैश बी इनका इंटरेक्शन क्या है वीक, तो ये कौन सा डायरेक्शन शो करेंगे पॉजिटिव। इसके अपोजिट मैंने बोला दो कंपोनेंट और हमारे पास, दूसरी बात करें नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन मैंने बताया कि ये दो कंपोनेंट है ए डैश ए बी डैश बी, ए डैश ए इनका इंटरेक्शन वीक है, बी डैश बी इसका इंटरेक्शन वीक है, ए डैश बी इसका इंटरेक्शन क्या है स्ट्रॉन्ग है, तो उस स्थिति में ये कौन सा हमारे पास डेविएशन शो करेंगे नेगेटिव डेविएशन, एक या कर लें इसका दूसरा अपोजिट। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल कौन सा पॉजिटिव इंटरेक्शन का, तो ये है इसका एग्जाम्पल पॉजिटिव डेविएशन का शो करते हैं, वो कौन सा है इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल प्लस, और साथ में क्या है इथेनॉल के साथ नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन सा है क्लोरोफॉर्म, इसका एग्जाम्पल कौन सा है नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कौन सा है पॉजिटिव का, तो ये हो गया है ना, नेगेटिव का कौन सा है तो नेगेटिव का जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो है क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, यहाँ पर एग्जाम्पल इसका जो है क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एसीटोन, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, एक हो गया पॉजिटिव वाले का, एक हो गया नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल। अब इसके बाद है ना, अभी मैंने क्या बताया आपको नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है वो भी नहीं करते राउल्ट लॉ को, ठीक है, और किसी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट लॉ को ओवे नहीं करते वो क्या करते हैं शो करते हैं हमारे पास क्या डेविएशन, क्या शो करते हैं डेविएशन, और डेविएशन जो है हमारे पास वो मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता था पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये इनके एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है। आगे की बात करें हमारे पास, हमारे पास आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आगे जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक चीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और मिलता है कि वो क्या करते हैं क्या बनाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या बनाते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर एक कैरेक्टर हमें और मिलता है दे फॉर्म द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड, है ना, एजियोट्रॉपिक क्या कहलाता है कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोर्स डेविएशन एंड डेविएशन शो करते हैं एंड क्या बनाते हैं सेकंड वन इज द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स, ठीक है, ये बात है। अभी क्या होते हैं कॉन्स्टेंट बॉइलिंग लिक्विड या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, देखिए एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी हमारे पास क्या होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक है लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है, और दूसरे हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। अब लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन मिल गए, दो सॉल्यूशन लिए,
एक लिया मैंने, मेरे पास मान लीजिए मेरे पास वो एग्जांपल है इथेनॉल, या मैंने बोला मेरे पास एसीटोन CH3CO CH3, और दूसरा जो मेरे पास वो क्या है कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, एसीटोन इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो रहता है 46 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब जब आप इनको मिलाते हैं, है ना, इन दोनों को मिक्स करते हैं, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे पास कितना आता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना आता है 33 डिग्री सेंटीग्रेड, जो इन इंडिविजुअल से कम है, इसको हम क्या बोलते हैं लो बॉइलिंग एजियोटॉप। ये इस टेम्परेचर पर बिना कंपोजिशन बदले उबलता रहेगा। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट से कम बॉइलिंग पॉइंट है तो वो क्या है लो बॉइलिंग एजियोटॉप्स, अगर कंपोनेंट्स जो मिलाए हैं इससे ज्यादा है तो उसे कहलाएगा हाई बॉइलिंग एजियोटॉप्स। जैसे अगर हम इसी की बात करते हैं तो हमारे पास अगर इसको मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री सेंटीग्रेड आता तो वो क्या कहलाता है हमारे पास हाई बॉइलिंग एजियोटॉप्स, है ना। हम एक एग्जाम्पल इसको और सेटअप करें, तो हमारे पास जैसे मान लीजिए ये मैंने बोला थोड़ी देर के लिए मान के चले ये मेरे पास क्या है, ये मानकर चले ये हमारे पास क्या है, ये दो कंपोनेंट है, ठीक है, ए और बी। ठीक है, मैंने बोला ए का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है 45 डिग्री सेंटीग्रेड, और बी का बॉइलिंग पॉइंट कितना 55 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों को हमने जब गर्म किया और उबाला तो ये देखा कि ये दोनों हमारे पास इस टेम्परेचर से ऊपर यानी 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या करते हैं बॉइल करते हैं बिना कंपोजिशन चेंज किए हुए, है ना। तो ये हमारे पास क्या होगा हाई बॉइलिंग एजियोटॉप्स होगा। तो सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में हमने आइडियल सॉल्यूशन देखे थे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखे थे। आइडियल सॉल्यूशन ओवे करते थे रॉड ड्रॉप को हर कंसंट्रेशन टेम्परेचर पर, और ये भी बताया था आपको कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए कोई भी दो सॉल्यूशन ऐसे मिलाते हैं जिनके अंदर मॉलिक्यूलर साइज क्या होता है सेम होता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे पास क्या शो करते हैं डेविएशन शो करते हैं, और डेविएशन मैंने आपको बताया था पहले कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या टाइप का फॉर्मेशन करते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड का, जो एक टेम्परेचर पर एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग लिक्विड्स आर लिक्विड्स विच बॉइल्स एट ए टेम्परेचर विदाउट चेंज इन कंपोजिशन, इनको हम क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। ये दो टाइप के थे, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड देन हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। लो बॉइलिंग के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास इसका एग्जांपल क्या है एसीटोन कार्बन डाइसल्फाइड, इनका इंडिविजुअल टेम्परेचर ये है, और जब ये उबलते हैं तो इससे कम टेम्परेचर को उबलते हैं, और इनका इंडिविजुअल टेम्परेचर ये है जब ये उबलते हैं तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलते हैं। हाई बॉइलिंग एजियोटॉप्स का अगर हम एक एग्जाम्पल देखना चाहें इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारे पास क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, या हम दूसरा एग्जाम्पल देखें क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ठीक है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसकी जगह सिंपल लिखें तो आपको याद है H2O एंड इथेनॉल, ये भी चल जाएगा, सिंपल ले लें H2O प्लस इथेनॉल, ये भी आपको एग्जाम्पल है। इतनी बात थी काय के बारे में, इसके बारे में। ठीक, अब हम इससे आगे आएंगे नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट पार्ट में पार्ट थ्री यहीं तक, उसके बाद आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट में पार्ट फोर में मैं आपको बताऊंगा। इस पार्ट में मैंने आपको बताया है राउल्ड्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उनके टाइप, है ना। अब नेक्स्ट पार्ट इसका मैं आपको अपलोड करूँगा, यहाँ तक रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेरे चैनल अमर ठाकुर पर पूछ सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है या अगेन ऊपर लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ 9893186602। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। ओके।